हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचडी क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं अपने राज्य की सीरीज में उत्तराखंड राज्य को। ठीक है, चलो देखते हैं जल्दी से। ये इसका लोकेशन है उत्तराखंड का। आप लोग देख रहे हो जो रेड रेड दिख रहा है वही आपका उत्तराखंड है। ठीक है ना, चलो अब इसके बारे में कुछ जानकारी देखते रहते हैं। इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। सबसे बड़े शहर का नाम भी देहरादून है। क्षेत्रफल, जनसंख्या आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, राजभाषा हिंदी संस्कृत। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। देखो ये 2000 में ही बना है, कोई ज्यादा पुराना नहीं है। 9 नवंबर 2000 को इसका राज्य को दर्जा मिला है। उसके बाद राज्यपाल इसकी कौन है? बेबी रानी मौर्य। इसकी राज्यपाल का नाम क्या? बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री का नाम शायद इसमें मिस हो गया है, चलो आगे वाली सीरीज में देख लेंगे। विधानमंडल, विधानमंडल की सीटें कितनी है? विधानसभा की, विधानमंडल में विधानसभा की सीटें 71 सीटें है, राज्यसभा की सीटें 3 है, लोकसभा की सीटें 5 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, देख लेना इसमें। ये मुख्यमंत्री अभी आपको बता दीजिएगा, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद ये देखिए, इंग्लिश में होगा शायद, चीफ मिनिस्टर ये रहा, त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या नाम है इसका? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये दिख रहा है क्या? बाकी तो सारी चीजें होगी, ठीक है ना। ये आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये आपके मुख्यमंत्री है। ठीक, ये बेबी रानी मौर्य, ये आपकी राज्यपाल है। बाकी तो सेम चीजें, 71 विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, इस टाइप से कुछ। चलो ये हो गया। अब देखो स्टेट सिंबल में क्या क्या है? मस्क डीर, मस्क डीर मतलब हिरण। अरे ये देखिए, स्टेट एनिमल है इसका। बर्ड क्या है? हिमालयन मोनल, इस टाइप से दिखता है। और स्टेट फ्लावर में बर्मा कमल, ब्रह्मा कमल ये देखिए। और क्या है? बुरान, ये इसका स्टेट ट्री है, दिख रहा होगा, एक सेकंड। ये देखिए, ये स्टेट ट्री है, ये स्टेट फ्लावर है, और ये वाला आपका स्टेट बर्ड है, और ये क्या है? स्टेट एनिमल है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से इसके नाम है, और देख लेना आपको। सॉरी, नेशनल पार्क में क्या क्या है? देखिए नेशनल पार्क कौन सा है? 6 नेशनल पार्क है इसमें उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा नेशनल, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो ये इस तरीके से 6 नेशनल पार्क, ठीक है ना। उसके बाद इसमें देखो, दो मुख्य जो फेस्टिवल है वो लगते हैं, तो आपको मैं एक बार के लिए बता दूं। ये देखिए, ये जो है, ये वाला फेस्टिवल, ये फेस्टिवल आपके है कुंभ का मेला। कुंभ किसका मेला है? कुंभ, ठीक है, ये कुंभ का मेला है। तो आपने कुंभ के मेले के बारे में सुना होगा, तो देखिए इस तरह से ये उत्तराखंड में ही लगता है, तो ये देखिए किस तरह से भीड़ होती है इसमें। उसके बाद आपके एक दूसरा और है, देखिए उत्तराखंड को देवताओं की भूमि माना जाता है। किसकी? देवताओं की भूमि, देवताओं की भूमि माना जाता है, ठीक है। तो देवताओं की भूमि माना जाता है, इसी कारण यहाँ पर ऐसे मंदिर कुछ कुछ ऐसे बने हुए हैं, उनको पूजा जाता है। मतलब देवताओं का मेला लगता है, इस टाइप से आप समझ सकते हो। तो देवताओं के मेले को क्या यहाँ देवभूमि के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर ये भी मेला लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ होती है, लोग बहुत सारे आते हैं और अपना जश्न मनाते हैं। चलो, तो ये आपका उत्तराखंड का राज्य हो गया। तो अब हम कल एक नए राज्य के साथ मिलेंगे। थैंक यू।